नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 फरवरी 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट एग्जाम लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके मन में सवाल यही होगा कि क्या परीक्षा अभी भी निरस्त हो सकती है, क्या पेपर दोबारा होगा या पेपर कैंसिल होगा। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट रिजल्ट लिंक पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें, शिक्षकों के 30,000 पद खाली हैं, पर भर्ती का भी अता पता नहीं चल रहा है। यूपी टेट 2021 को लेकर एक और बड़ी अपडेट आती है कि टीईटी साल्वर गैंग सरगना की अंग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। उसके बाद टीचर भर्ती की एक और अपडेट आ रही है, क्यों नहीं जांची गई अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट, ऐसा हाईकोर्ट पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, मतलब ढेर सारी अपडेट। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि क्या क्या दिक्कतें आ जाती है। और आपको बता दें, अभी आपने यूपी टेट का पेपर जरूर दिया होगा, लेकिन अभी आप में से कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है ना, वो इनवैलिड आ जाएगा। फिर आप कहेंगे यार गलती तो हमने की नहीं, हो सकता है कि आपसे छोटी छोटी गलतियां हो जाए, उसके बाद आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है। तो जब रिजल्ट आएगा तभी दोस्तों ये बात आपको पता चलेगी। बाकी नए शिक्षक भर्ती बड़ी खुशखबरी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस देखिए, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं इस बार कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 लाख पदों पर वैकेंसी आएगी। कोई कह रहा है कि 2 लाख पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। तो इस बार वादे दोस्तों बड़े बड़े हैं। तो अब देखिए, आज से दोस्तों हमारी वोटिंग शुरू हो रही है। तब भैया जब आप घर से वोट देने के लिए निकले ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका होगा रोजगार। याद रखिए दोस्तों, जब आपकी नौकरी लगेगी तब तक टीचर की सैलरी जो हो जाएगी 50,000 रुपए पर मंथ। तो सोचिए आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको 50,000 रुपए सैलरी पाना है या फ्री वाला मतलब राशन लेते रहना है, ये आप डिसाइड करेंगे। जब 50,000 पाएंगे तो दोस्तों आप जाके किसी बड़े होटल में बैठ के खाना खा सकते हैं, ना कि फ्री वाले राशन के चक्कर में लगना है। तो इतनी मेहनत आपने की है तो भैया ऐसे लोगों को वोट करिएगा जो आपको रोजगार दिला सके, नहीं तो फिर अगले 5 साल तक बेरोजगार ही रह जाएंगे। कोई मतलब नहीं बनेगा डीएलएड करने का, बीएड करने का, टेट पास होने का, उसके बाद जब नौकरी ही नहीं आएगी। आपको बता दें, जो हमारी यहाँ लास्ट वैकेंसी आई थी ना उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 2018 में, और इसका नाम था 69,000 शिक्षक भर्ती। सोचिए कितने साल बीत गए, 2019 का साल निकल गया कोई वैकेंसी नहीं, 2020 का साल निकल गया कोई वैकेंसी नहीं, 2021 निकल गया कोई वैकेंसी नहीं। क्या 2019 में टीचर रिटायर नहीं हुए होंगे, 2020 में नहीं हुए होंगे, 2021 में नहीं हुए? मतलब टीचर हर साल रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 3 साल से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं। अब 2022 हमारा चल रहा है, 2022 के अंत से पहले वैकेंसी आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो धीरे धीरे देखिए समय लगता है। अब वैकेंसी आने का मतलब दोस्तों पहले ये होगा कि स्कूल में चेकिंग की जाएगी कि कहाँ पर मतलब किस जिले में कितने पद खाली है, उसी के हिसाब से दोस्तों वैकेंसी आती है। आपको ये बात पता होगी, ठीक है? अब जो आपकी मेरिट बनती है ना, वो जिले वाइज हर जिले के अलग अलग मेरिट होती है, उसी के आधार पर आपको नौकरी मिलती है। सवाल यहाँ पर ये कि यूपी टेट में फेल छात्रों का क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, सुपर टेट में उन्हीं छात्रों को मौका मिलता है जिन बच्चों का यूपी टेट या सीटेट में से कोई एक परीक्षा क्लियर हो, ठीक है? तो अगर आप फेल होंगे तो भैया आप सीधे तौर पर हम कह सकते हैं आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। लेकिन एक और आपके सामने बड़ी खुशखबरी रखेंगे, जब हमारा सुपर टेट का पेपर होगा तो उससे पहले आप ये मान के चलिएगा, उससे पहले एक बार आपको और यूपी टेट या सीटेट में से कोई एक परीक्षा देने का अवसर मिल जाएगा। क्योंकि जब 2022 के अंत तक अगर वैकेंसी आती है तो सिंपल सी बात है, तब तक यूपी टेट का भी पेपर होगा। और यूपी टेट परीक्षा के बाद दोस्तों हमारी हर बार अक्टूबर से शुरू हो जाती है, ठीक है? अक्टूबर से यूपी टेट की बात होती है, उससे पहले सीटेट जुलाई का भी पेपर होगा। जो हमारे सीटेट का पेपर होता है साल में 2 बार होता है, ठीक है? तो आपके पास अभी मौका बचा है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होगी तो आप मतलब शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इतने सालों में जब वैकेंसी नहीं आई ना। लेकिन आपको बता दें, टेट का पेपर लगातार होता रहा, ठीक है? वो कोरोना काल था दोस्तों जिस वजह से पेपर नहीं हो पाए, लेकिन बाकी पेपर होता रहता है। एक और सवाल होगा कि कितने नंबर आपको फ्री के मिल सकते हैं, और जबकि आपको पता है कि 98 प्रश्नों पर तकरीबन 98 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर। तो फाइनल आंसर की में कितने नंबर बढ़ सकते हैं? तो ये दोस्तों मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर तक बढ़ सकते हैं। 10 से 12 नंबर दोस्तों आपके बढ़ेंगे पेपर वन और पेपर टू के मिलाकर। ऐसा नहीं कि 10 नंबर सिर्फ पेपर वन में ही बढ़ जाए। देखिए बाकी पीएनपी क्या है ना कि नंबर जल्दी बढ़ाती भी नहीं है। एक बात और आपको बता दें, मामला हाई कोर्ट तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसलिए अधिकतर मामले हाई कोर्ट चले जाते हैं क्योंकि मामला एक बार में फाइनल ही नहीं हो पाता। तो चलिए एक एक करके पहले अपडेट को देखते हैं हम लोग। अपडेट प्रयागराज से कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है।
इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही है, वही बड़ी संख्या में तमाम पुरानी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने और लंबित भर्तियों को समय से पूरा किए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए मांग पत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग किए जाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चयन बोर्ड को घेरा गया है। छात्र चाहते हैं कि पूर्व में लंबित भर्तियों को 90 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। इनमें 200 प्रधानाचार्य भर्ती 2013 भी शामिल है, जिसके लिए इंटरव्यू की मतलब प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। सहायक अध्यापक TGT और प्रवक्ता PGT भर्ती 2011 के तहत कुछ विषयों में भर्तियां अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। प्रतियोगी छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि रिक्त पड़े 30,000 पदों का विज्ञापन जारी कर 180 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। उसके बाद देखिए, इसके अलावा भी छात्रों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। वे चाहते हैं कि पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग की भर्ती अलग अलग करने के बजाय अभ्यर्थियों को एक मेरिट बनाई जाए और परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को पुरुष या महिला वर्ग के स्कूल या कॉलेज चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। साथ ही परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। उसके बाद देख सकते हैं कि टेट सार्वर गैंग सरगना की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। ये दोस्तों बड़ी अपडेट देखने को मिली है, लेकिन परीक्षा रद्द होगी कि नहीं अभी तक दोस्तों उसको लेकर अपडेट नहीं आ रही है। ठीक है, मामला कोर्ट पहुंचा है लेकिन उसकी अपडेट नहीं आती, लेकिन अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई ये न्यूज़पेपर वाले भैया लोग दिखा देते हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर उस मामले को भी हाईलाइट किया जाए तो हो सकता है कि कुछ हो। उसके बाद देखिए इस अपडेट को जरा कि क्यों नहीं जांची गई अभ्यर्थियों की OMR सीट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाई स्कूल एडेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों की OMR सीट नहीं जांचने और पुनरीक्षित परिणाम जारी करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है, जिन्होंने त्रुटिपूर्ण OMR सीट पर परीक्षा दी थी। इस मामले को लेकर नीरज कुमार यादव सहित 47 अभ्यर्थी अदालत की शरण में गए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सचिव को 3 सप्ताह में जानकारी मतलब देने के लिए कहा है कि इस मामले में अभ्यर्थी की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी का कहना था कि यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल परीक्षा 2021 का परिणाम 15 नवंबर को 2021 को जारी कर दिया गया, मगर परीक्षा का संशोधित परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अपनी OMR सीट के मूल्यांकन को लेकर भी प्रत्यावेदन दिया था, मगर उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अधिवक्ता का कहना था कि याचिकाकर्ता की जो OMR सीट दी गई थी वह त्रुटिपूर्ण थी। ठीक है, आगे की दोस्तों अपडेट देखिए। इस मामले में कच्छ निरीक्षकों की ओर से कोई भी सहायता नहीं की गई। त्रुटिपूर्ण सीट पर जानकारियां भरने के कारण उनकी OMR सीट का मूल्यांकन नहीं किया गया। इस संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन का भी दोस्तों अब तक निस्तारण नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां की जाती है जिसके वजह से बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, करे कोई भरे कोई, सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो अब भैया आपका कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए अगर आप संघर्ष करना दोस्तों बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। बाकी अगर हम कोरोना मामलों की बात करें तो 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 65,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 1241 लोगों की दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जान भी गई है। तो ये दोस्तों हमारे देश का हाल है कोरोना में। बाकी दोस्तों ये अपडेट आप देख सकते हैं, यूपी टेट की अपडेट है, सी टेट की अपडेट है, फाइनल आंसर की को लेकर अपडेट है, और जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी पेपर 1 पेपर 2 यूपी टेट की फाइनल आंसर की के बारे में, वो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेना है, तैयारी करते रहना है। ठीक है, और बाकी देखिए अगर आपका टेट क्लियर ना हो तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको सुपर टेट से पहले एक बार और यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ठीक है, नई भर्ती में आप भी सम्मिलित हो पाएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि यार इस बार हम टेट नहीं क्लियर कर पाए तो हम बाहर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी उम्मीद कायम है, फाइनल आंसर की आने दीजिए, नंबर बढ़ेंगे, और नहीं बढ़ते तो दोस्तों पिछली बार की तरह 2017 के जब यूपी टेट का मामला हाई कोर्ट गया था तो 2021 का भी दोस्तों जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों धीरे धीरे बच्चे और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। उस समय बच्चे उतने एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पर जितने आज के दिन हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों जब मामला हाई कोर्ट जाता आप सोच रहे होंगे कि 25 तारीख को मतलब 25 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, क्या उसके बाद भी कुछ हो सकता है? देखिए उसके बाद भी होता है, संशोधित परिणाम जारी किया जाता है, यूपी टेट का संशोधित रिजल्ट आता है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो पल पल की अपडेट के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यूपी टेट कोर्ट की कोई भी खबर आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी सी टेट का जो रिजल्ट है 15 फरवरी को जारी किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया जहां से आप सी टेट की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक है जहां से यूपी टेट की लेटेस्ट न्यूज और सीटेट की न्यूज प्राप्त आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।